अकॉर्डिंग टू अ स्टडी जो लास्ट से कंडक्ट हुई थी उसमें बताया गया था कि भारत में जो यूथ है फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 24 वो डिप्रेशन की मार चल रहा है। डिप्रेशन के बहुत से रीज़न होते हैं, जैसे मैं कुछ काउंट कर रहा था। पहला, स्कूल में प्यार हुआ, प्यार नहीं मिला, डिप्रेशन हो गया। सेकेंड, सक्सेस नहीं मिल पा रही है, एग्जाम्स करे जा रहे हो, ट्राई करे जा रहे हो, इंटरव्यूज दे रहे हो, कुछ नहीं हो पा रहा, डिप्रेशन हो गया। थर्ड, फैमिली इश्यूज, परिवार में कुछ अनबन चल रही है, डिस्प्यूट से फैमिली के अंदर, वो डिप्रेशन। फोर्थ और भी चीज़ें हैं। फोर्थ तो मिसलेनियस टाइप का हो गया। यहाँ पे ये होता है कि हम जो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है, हम जी क्यों रहे हैं, मैं हूँ क्यों, उस पर जो डिप्रेशन होता है, ये बात क्यों है। तो हमने चार बात डिस्कस करी डिप्रेशन के ऊपर। अब मेन रीज़न ये है कि जो डिप्रेशन है इसको हम जाने कैसे कि ये डिप्रेशन कब हुआ है, मतलब ये इसके सिम्टम्स क्या हैं डिप्रेशन के। मैं आपको सिम्टम्स काउंट कराता हूँ। अगर आपको ये सिम्टम्स मैच कर रहे हैं आपकी डेली लाइफ से, आपको एक चीज़ कहूँगा, जल्दी से जल्दी एक साइकेट्रिस्ट से मीटिंग कीजिए, बिकॉज डिप्रेशन कैंसर से खतरनाक चीज़ है। क्योंकि कैंसर का क्योर है एक टाइम तक, अगर फैसल गया तो। अगर डिप्रेशन क्योर नहीं मिला तो बाइपोलर डिजीज, ADHD एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ हैपेंस मेंटली। सो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सिम्टम ये है स्लीपलेस नाइट्स। प्यार के अलावा भी ना अगर रात में नींद नहीं आती है तो डिप्रेशन का रीज़न होता है। हर चीज़ को हम उससे सुसेट नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड थिंग, भूख ना लगना। भूख यह है कि एक्चुअली जो ब्रेन है हमारा वो डिप्रेस होता है, वो उसका फोकस फिर चुका होता है, तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो काम नहीं कर पाता। तीसरा, आप नॉर्मली बीमार रहते हैं। बीमार रहना भी है इसमें एक सिम्टम है, क्योंकि चेयरफुल नहीं हो भाई, बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा, बीमारी पकड़ेगी। और कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना हो क्या है, पकड़ना है और क्या। अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये है कि आप सोशल कनेक्शन से दूर रहते हैं। हाँ, लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बात नहीं करता लोगों से। अगर आप लोगों से बात करना नहीं चाहते, अपार्ट फ्रॉम दैट, इंट्रोवर्ट के अलावा फैमिली से बात नहीं करना चाहते, फैमिली को टाइम नहीं देना चाहते, तो ये सिम्टम है डिप्रेशन का। आप कंसल्ट कीजिए साइकेट्रिस्ट से। ये जो हमने रीज़न दिए हैं, मेन जो मोटे मोटे रीज़न है, ये मोटे मोटे रीज़न है, ये मेन रीज़न नहीं है, मोटे रीज़न ही है। पहला, स्लीपलेस नाइट्स। दूसरा, भूख ना लगना। तीसरा, वीक मेटाबॉलिज्म। और चौथा, एक्सेस इंट्रोवर्टिज्म। ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन गया तो लोगों से बात नहीं करना चाहते। अब क्योर क्या है इसका? हमने बात करी बीमारी के बारे में, डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन का एक क्योर है, वैसे एक नहीं, क्योर तो बहुत सारे हैं। क्योर ये है इसका, पहला, या तो मीट कीजिए साइकेट्रिस्ट से सीटिंग लीजिए। आप सीटिंग लेने के बाद ही वो बता पाएंगे कि आपको वो मेडिसिन देंगे और कुछ थेरेपीज देंगे। दूसरा वही जो साइकेट्रिस्ट करेगा आपसे बातें, किसी को पकड़ो, बात ही करो उससे। अगर बात करना पसंद नहीं करते, इंट्रोवर्ट हो, नो इशू, एक डायरी मेंटेन करो। डायरी में लिखो, थोड़े से सोशल हो जाओ, लोगों से बात करना शुरू करो। अगर कोई अपने में कोई आर्ट है तो उस आर्ट को बाहर निकालो। मैं खुद की बात बताता हूँ, मेरी जो ड्राइंग है ना बहुत ख़राब है, और मैं फिर भी ड्राइंग करता हूँ। क्यों? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गेट डिप्रेस्ड। मैं ड्राइंग करता हूँ, अपना घटिया आर्ट देखता हूँ और हंसता हूँ। हंसना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन कहते हैं ना, हंसना बेस्ट मेडिसिन है। मैं हंसता हूँ, मेरी फैमिली मुझे देख के हंसती है, नो इशू, बात कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा, फैमिली को टाइम दो, अगर फैमिली है तो, दोस्त हैं, बात वही बात जो हमने सेकंड पार्ट में, जो सेकंड ऑप्शन में था, वही दोस्तों से बात करो, फैमिली से बात करो। फोर्थ पॉइंट, अपना पहले रीज़न ढूंढो। वैसे पॉइंट नंबर वन होना चाहिए, तो मैं फोर्थ में बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है, आप बहुत से लोग प्रायोरिटी रहेंगे नहीं इसमें। रीज़न ढूंढो डिप्रेशन हो क्यों रहा है, पीछे पड़ जाओ उसके, या फिर अगर पीछे नहीं पड़ सकते, यस छोड़ यार,
डैम डजंट केयर। जिस तरह लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते उस तरह डिप्रेशन का पालन मत करो। सिंपल। हाँ, ये वीडियो थोड़ी सी बेकार है, क्वालिटी अच्छी नहीं वीडियो की, फिर भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बस ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था और मैं खुद की बताता हूँ आपको। मैं एक्चुअली बात ये है कि मैं ही बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ वीडियो डालने का, एक लेंथी वीडियो डालने का, पर मेरा माइंड खुद डाइवर्ट हो रहा है भाई, कहीं मुझे सिम्टम ना हो जाए वाले, इसलिए मैं चाहे कुछ भी करता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। अगर खाली बैठोगे ना तो इशू होगा डिप्रेशन का, तो इस इशू से बचने के लिए जो वीडियोज़ हैं हमारी वो देखते रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, अगर लगता है शेयर करने लायक है वीडियो तो शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर नहीं कर सकते शेयर, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक मत करना, बस क्लिक कर दो। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, इतना ही।